दोस्तों वाटर जो कि 70% अर्थ सरफेस को कवर करता है, उसी प्रकार यूनिवर्स का भी 70% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिल करके बना है। तो अब इसी डार्क एनर्जी की स्टडी करने के लिए हेडेक्स यानी कि हबल बर्ली टेलीस्कोप डार्क एनर्जी एक्सपेरिमेंट करेगा, तथा इनका कहना है कि विद इन 3 ईयर्स में हम डार्क एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसको 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया था और अब जा करके इसको बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इसमें लगभग जो है $34 मिलियन का खर्च आया है। तथा हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है डे बाय डे जो है एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे होंगे। और तो इसका यही काम है कि लार्जेस्ट मैप को यूनिवर्स के क्रिएट करना, तथा इसमें लगभग 100 साइंटिस्ट इंक्लूड होंगे और ये डाटा को लगभग आकाश के 2 एजेंट से कलेक्ट करेंगे। तथा पहला एजेंट जिसका नाम है बिग डिपर, जिसे हम ऊषा मेजर के नाम से भी जानते हैं और सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं इसको। तथा इसके बारे में डिटेल में जो जानकारी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तथा दूसरा जो रीजन है जिसका नाम है साउथ वेस्ट रीजन, जो कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। तथा इसकी खास बात ये है कि इसमें एक सिंगल स्पेक्ट्रोग्राफ से 100 इंस्ट्रूमेंट एक साथ वर्क करेंगे और लगभग 32,000 स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं विया ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तथा इसमें एक वायरस वर्क करता है, वायरस यानी कि विजिबल इंटीग्रल फील्ड रेप्लिकेबल यूनिट स्पेक्ट्रोग्राफ। तथा हेडेक्स का कहना है कि वो ऑब्जर्वेशन यानी कि डार्क एनर्जी के बारे में जो स्टडी है वो December 23 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा आगे, तथा आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्या ये कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है जो कि स्पेस से रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लेकिन लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जानकारी मिलती ही रहती है। तो नमस्कार दोस्तों।